डिजिटल डायरीज बाय जानवी। आज आपने टाइटल से तो गेस कर लिया होगा कि वेयर वी आर गोइंग दिल्ली। एक्चुअली हमें कुछ काम है तो उसके लिए हम पहले अलीगढ़ जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ हमें बहुत टाइम से मन था जाने का। तो गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, मैं इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। मैं एक्सप्रेसवे के, ये तो पूरी वीडियो एक्सप्रेसवे की है, हमने हमारा वे पूरा कैसे जा रहा है और मैं पूरी डिटेल आप लोग को एक एक देती रहूँगी साथ साथ में। अभी देखिए आप एक्सप्रेसवे कितना अच्छा बना हुआ है, ऑल थैंक्स टू अखिलेश सर। अखिलेश जितना भी उन्होंने वर्क किया है अपने अंडर में वो बहुत ब्यूटीफुल किया है, लाइक मेट्रो और एक्सप्रेसवे और बहुत सारा वर्क उन्होंने किया है जो मुझे भी शायद ये फिंगर्स पे टर्म्स में टिप्स पे मुझे याद नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, पर जितना भी मैं यूज़ करती हूँ लाइक मेरी उसमें लाइफ में जिन चीज़ों का यूज़ है वो मुझे मालूम है कि वो उस चीज़ों के लिए आई रियली थैंक टू हिम। अभी देखिए कितना अच्छा वेदर वाज, वेरी गुड, बहुत अच्छा वेदर था, हम लोग सब जा रहे थे और मैं, मेरे हस्बैंड सुजैन एंड एक जैद है, सुजैन के चाचू हैं, इनके फ्रेंड ये थे, ड्राइव कर रहे हैं कार और जैद की सिस्टर है जिसका हमें एडमिशन भी AMU में करवाना है तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं, इसलिए हम पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ जाएंगे AMU के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ उसका एडमिशन करवा के एंड देन विल गो टू दिल्ली, दिल्ली जाकर फिर हम लोग अजमेर शरीफ जाएंगे। वाओ सी ये देखिए ब्यूटीफुल यमुना रिवर, ये यमुना रिवर है और यहीं से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए स्पीड कोई भी आप रख सकते हैं आप, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है, कार ड्राइव करना आता ही नहीं मुझको, तो बस ये मैं समझती रहती हूँ, मुझको बता रहे थे कि हाई स्पीड इस साइड चलती है मतलब लेफ्ट चलती है और नहीं राइट चलती है, हाई स्पीड राइट चलती है, उससे थोड़ी सी कम स्पीड थोड़ा सा राइट और फिर जो सबसे कम होती है वो लेफ़्ट में रहती है, इतना मुझे मालूम है। इसके आगे मुझे ड्राइविंग नहीं पता, रूल्स नहीं पता ट्रैफिक के, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद में वी डिसाइडेड टू हैव समथिंग, तो हम लोग को देखिए ड्यूरिंग द एक्सप्रेस वे वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू हैव, बस खाली हमें दो सेंटर्स मिलेंगे, ये जो फूड स्ट्रीट फूड सेंटर्स बने हुए हैं अखिलेश यादव सर ने बनवाए हैं, ये एक्सप्रेसवे के साथ में ही बने थे, ये देखिए। तो यू विल गेट फूड हियर, यू विल गेट वॉशरूम्स हियर, यू विल गेट वाटर, रेस्ट एरिया, यू विल गेट रेस्ट एरिया ओनली, टू रेस्ट एरियाज आर हियर जो कि स्ट्रीट फूड हैं, स्ट्रीट फूड के नाम से ही बने हुए हैं, तो एक यहाँ एक मिड सेक्शन में है और एक थोड़ा सा आगे है एक्सप्रेसवे के बीच में ही। और फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए थे, उसके बाद में वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से फिर हम लोग निकले और लुक एट द सनसेट गाइस, सनसेट था सामने से इतना प्यारा लग रहा था, व्यू यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से आपको और भी आगे वीडियोस मिलती रहेंगी, हमारी जर्नी देखने के लिए रेडी हो जाइए, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, मैं आगे आपको और भी सारी जर्नी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बी कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।